सो हेलो फ्रेंड्स, फिर सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना फेसबुक से फेसबुक पेज कैसे बनाओगे। फ्रेंड, फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। वैसे भी सबके पास होता है फेसबुक अकाउंट, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक फेसबुक का अकाउंट बना लेना है। तो फ्रेंड, फेसबुक पेज बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 3 डॉट मिल जाता है। 3 डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा और नीचे आपको पेजेस का ऑप्शन आएगा, पेजेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आप नया पेज बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने इस तरह का पेज आता है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का नया पेज आएगा। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना पेज का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे आप कोई भी नेम दे दीजिए अपना पेज का जो आप रखना चाहते हैं। पेज का नाम कोई अच्छा से सिलेक्ट कर लेना है आपको और पेज का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और टाइप भी कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आता है, जो है कैटेगरी। तो फ्रेंड फेसबुक पेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी सिलेक्ट करना। तो आप किस कैटेगरी का वीडियो बनाओगे या फिर किस कैटेगरी का रखोगे, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप ब्लॉग का बनाना चाहते हैं सिंपली आपको हेल्थ एंड ब्यूटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर वाला कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है और आपको भी यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है कैटेगरी में। उसके बाद इस तरह का पेज आएगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बायो देना है, यानी कि आप अपने पेज के बारे में जो लिखना चाहते हैं वो आपको लिख देना है। जैसे कि दिस इज़ ए ऑफिशियल पेज, जो आप नाम लिखना चाहते हैं वो नाम आपको दे देना है। इस टाइप से आप यहाँ पे बायो में पूरा आप अपने पेज का डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। इस तरह से आपको बायो लिख देना है और बायो लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको मेल आईडी मांगता है, सिंपली आपको कोई एक मेल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना है, कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देना है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर को देने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, सिटी, उसके बाद पिन कोड, ये सब आपको फिल कर देना है। अगर आपको स्टोर का यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया है, अगर आपका स्टोर कितना देर तक ओपन रहता है, कितना देर तक बंद होगा, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको ये ऑप्शन को छोड़ देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाइए। तो सिंपली आपको कैमरा वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको प्रोफाइल पिक्चर और बैकग्राउंड कवर भी आपको ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को भी ऐड कर दिया है और बैक कवर को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स बोलेगा कि आप अपना फेसबुक पेज को व्हाट्सअप से भी लिंक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे के और डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना वो फेसबुक पेज को व्हाट्सअप से भी लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद इस तरह का पेज आएगा, इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हो फ्रेंड तो आपके फेसबुक में जितने भी फ्रेंड हैं वो सारे फ्रेंड के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, इनविटेशन चला जाएगा कि आपने एक फेसबुक पेज बनाया है, वो चाहे तो आपका पेज को फॉलो कर सकता है। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। वैसे भी आजकल हर एक फेसबुक अकाउंट में 500-600 का फ्रेंड तो रहता ही है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है और आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फेसबुक बनके तैयार हो गया है। लेकिन आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। डन वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो ये स्विचिंग करेगा आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है उससे आपका फेसबुक पेज बनाने का। इस तरह से आपका पेज बनके तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो, क्या करोगे, इसके बारे में आपको डिटेल्स यूट्यूब समझा देगा। उसके बाद फ्रेंड इस तरह से आप देख सकते हो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा फेसबुक पेज का। और फ्रेंड फेसबुक पेज का डैशबोर्ड देखने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है एफवी क्रिएटर स्टूडियो। तो सिंपली आपको एफवी क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस मेल से साइन इन कर लेना है, मेल और पासवर्ड से जिस मेल से आप फेसबुक पेज को ओपन किया है, और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे कि आपको YT स्टूडियो में यूट्यूब का डैशबोर्ड दिखता है वैसे ही आपको क्रिएटर स्टूडियो में फेसबुक पेज का डैशबोर्ड दिखेगा। वहां से आप अपना डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया है कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज को बनाओगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।